बोलेंगे ना कि माइनस टू को। अगर कॉन्सेप्ट अगर क्लियर नहीं है तो ध्यान लीजिए सर, एकदम निश्चित रूप से इसमें कहीं कोई डाउट नहीं है। जैसा कि आप तक पूछ दिया जाए कि क्या सभी पूर्ण संख्या प्राकृत संख्या हो सकती है, नहीं होगा, टाइकोप्लाज्म में वो जीरो जीरो है। अगर यही आप पूछे कि सभी प्राकृत संख्या पूर्ण संख्या हो सकती है, हो सकते है की एक तो सब है, खाली जीरो छोड़ दीजिए, सब एक आ जाएगा, लेकिन एक सब क्रम है। लेकिन ये पूर्ण संख्या पर जो कंसेप्ट आप दे रहे हैं जी जी है ना जी, तो वन से नाइन तक तो मान के चलिए संख्या कैसा हुआ? बिल्कुल से पहले नहीं सर, शून्य का खोज आपको पता होगा कि आर्यभट्ट ने किया, जो पटना बिहार के निवासी थे, है ना। तो ये शून्य की संख्या बिल्कुल आपने सही कहा कि शून्य के संख्या का अगर आविष्कार नहीं तो बहुत सारी संख्याएं नहीं बन पा रही, बन पा यहां तक एकदम आपके बात से मैं सहमत हूं। लेकिन ये जो जिसे आप बोल रहे कि इसको इसको की जान लीजिए कि एकदम ये हो सकता है, लेकिन वो हो नहीं सकता। पूर्ण संख्या मतलब ऐसे भी पूरा अपना घर को पूरा भर लेता हूँ,